हाँ भैया, बात कुछ यूँ है कि यहाँ मैं दौड़ने दौड़ने हाँ भैया बात कुछ यूँ है कि यहाँ मैं दौड़ने रोज़ जाता हूँ, लेकिन मैं कभी शूट नहीं करता। तो आज मौसम बहुत अच्छा है और व्लॉग बनाने का आपके भाई को आज बहुत मन कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज रनिंग करने चलते हैं दोनों भाई साथ में। भाई यहाँ के जो लोकल्स हैं ना उनका इतना फ़ायदा है ना, अरे भैया तो भाई यहाँ के जो लोकल्स हैं ना उनका इतना फ़ायदा है ना भाई, बताता हूँ कैसे। बहुत पैसा छापते हैं भाई ये लोग, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। पड़े पे लग गया क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता है और यहाँ पे गाय थी, मेरे को गाय को डिस्टर्ब करने का कोई मन नहीं कर रहा था। बहुत तेज कांटे लगे भाई, गौ माता हमारी प्यारी प्यारी। भाई मैं वहाँ से आता घूम के, बट शॉर्टकट भी तो जाना है और यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ भाई। ये देखो गाइस नीचे का व्यू, यहाँ से ऊपर ऑली है। हाँ तो अभी हम नीचे आ गए। हाँ यार ये कितनी सही जगह है यार, अभी दिखाता हूँ आपको। आप कहाँ भाग रही हो? कैमरा कॉन्शियस गाय भी दिख गई फ्रेंड्स, वहाँ से यहाँ आने तक का मैंने इतना सही शॉर्टकट मारा है ना, आप सोच भी नहीं सकते भाई। अभी वहाँ से वहाँ नीचे जाना है। हेलो, तो अभी मुझे इस तरफ जाना था, पीछे तरफ जाना था, बट मैं इस तरफ चले गया, मैं रास्ता भूल गया था। एंड अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं रनिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ। रनिंग मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी रोड नहीं आया रनिंग करने लायक, ये रोड है आप लोगों से बात करने लायक, क्योंकि जहाँ हवा चल रही है ना, ओह माय गॉड। तो पहले अभी थोड़ी सी रनिंग कर लेते हैं, फिर इन गाँव के लोगों की बात करेंगे, ठीक है। ये कैमरे के आगे बोलते हुए ना शकल कैसे 12 बजते हैं ना भाई। ओली में भाई जंगली जानवरों को इतना खतरा है ना, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ इतने सांप और वो होते जो कान में घुस जाती है, क्या बोलते हो बताने। और यहाँ पे बंदर नहीं है और ना ही यहाँ पे बाघ वगैरह हैं, यहाँ पे भालू हैं और ऐसे रास्तों में आ जाते हैं लोग भी आ जाते हैं मुझे देखने के लिए। यहाँ पे इस टाइप की गुफाएं भी गाइस बहुत हैं। ये जो दो लोग हैं ये कैमरा देख रहे थे और मैंने इतनी गंदी वाली स्माइली पास करी ना। देखो भाई वहाँ पे बंदर, मैंने बोला नहीं है, और यहाँ मुझे एक लंगूर दिख गया। मेरी फट इतनी गंदी गई थी ना क्योंकि जिस हिसाब से पेड़ हिल रहा था ना मुझे लगा भालू आ गया। वैसे यहाँ अकेले आना इज़ वेरी अनसेफ। अभी मैं आपको जिस जगह में कैमरा रख रखा है ना वो पत्थर दिखाता हूँ भाई, इतना सेक्सी पत्थर है ना। भाई मेरा तो मन कर रहा ना कि मैं ना इस कैमरे को उस पत्थर के ऊपर चढ़ा दूँ, वहाँ से जो ऊपर वाला शॉट आएगा ना, वैसे जाने के लिए यहाँ जा सकता हूँ मैं, पर ऊपर बहुत सारे लंगूर हैं और मुझे रिस्क नहीं लेना भाई। तो अभी बस यहाँ पे मैं हूँ और बस मैं हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे आपको गुफा दिखाता हूँ भाई। ये देखो भाई कौन जा रहा है इनके अंदर भयंकर। भाई देखो ना यार मुझे डर लग रही भाई, मैं घर जा रहा हूँ फ्रेंड्स। हम अपने घर से 2 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं एंड 2 किलोमीटर तो यार लगता भी नहीं है कुछ। तो अभी लोकल के वोकल्स की बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने अभी पहले बताया कि यहाँ के भाई लोकल लोग हैं ना वो पता है कैसे पैसा कमाते हैं, अच्छा पैसा मतलब मोटा पैसा। वो टेंट्स खरीद लेते हैं और नवंबर के मिड में या दिसंबर के 15 तारीख, दिसंबर में तो पक्का या नवंबर के मिड में ओली में बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो जाता है एंड वो एक टेंट का पता कितना चार्ज करते हैं गैस 1500 अप्रॉक्स, 1500 से ज़्यादा होता होगा मुझे पता है पर नाइट। सो भाई देखो यार कितना सही बिजनेस है भयंकर, बट इस बिज़नेस के प्रोज तो बहुत हैं, बट कौन ये है कि ये सीजनल बिजनेस है। अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा आता है हम अगले व्लॉग में यहाँ चढ़ेंगे, पक्का प्रॉमिस। अब भाइयों और बहनों मुझे लग रहा डर, यहाँ बहुत सारे लंगूर हैं, वो एक और वो दो। सरप्राइजिंगली लंगूर मुझे ही देख रहे हैं,
कहीं मुझे तो नहीं घेर रहे भयंकर। माय गॉड, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई। हाँ भैया, बात कुछ यूँ है कि यहाँ मैं दौड़ने रह जा रहा हूँ। हाँ भैया, बात कुछ यूँ है कि यहाँ मैं दौड़ने दूर नहीं। हाँ भैया, बात कुछ यूँ है कि यहाँ मैं दौड़ने रोज़ जाता हूँ, लेकिन मैं कभी शूट नहीं करता।